जमीनाडी का जय जमीनी का मगा नगा नगा टीका बिकारी का हीना मीनारी का टीका डे जय जमीनी का मगा नगा टीका बिका रोलारी का राम पम कोच पेंटिंग का काम करते हुए 40 साल के करीब हो गए। ये फिल्मों के बोर्ड वगैरह हमने पहले बनाते थे, उसके बाद फिर ये गन्ने के रस के बैनर्स वगैरह लिखने शुरू किए। आल यूपी घूमे, बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फिल्मों के बोर्ड करने के लिए और दिल में भी करे, वो पेंटिंग का काम ही हमारा ये। रेल साइकिल का तो लेबल मिल गया था ना हमको, रेल साइकिल का लेवल मिला था तो उसकी कलर स्कीम थी उसमें 7 रंग थी, वो फिर हमने उसको लिया है और जहाँ भी वो लिखाई करते थे अलग होते थे, उससे पॉपुलर हुए हम। दिल्ली में कोई उसकी नकल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें रंग के साथ रंग मिलाना होता है, अब नीले और हरे का साथ होता है कलर का, जरा भी गलत रंग लग जाए तो वो सही नहीं बैठेगा। 7 रंग एक जगह एडजस्ट करना वो उसमें आर्ट है, और वो टाइम में ली थी ये चीज़। वो जब से होस्ट संभाला जब से कर रहे हैं, हमारे फादर करते आ रहे थे पहले, सिनेमा के बैनर वगैरह बनाते थे और उनको देख देख के फिर हमें भी शौक चढ़ गया तो हमने भी काम करना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हुआ कि आप गन्ने के काम में आपका मास्टरी आ गया? गन्ने में ऐसा है, हमारे फादर ने काफ़ी मेहनत की है इसमें, डिजाइनिंग वगैरह जो है तो उनका नाम फेमस है इस लाइन के अंदर, तो इनको ये पहले हम सिनेमा के बैनर बनाया करते थे तो ये इसमें गन्ने के इसमें पोस्टरों में एक्टरों की तस्वीरें, उनके हाथ में गिलास, अमजद खान वगैरह ये ऐसा बना के, अच्छा ये फ्रूट्स वगैरह बनाने में थोड़ी सफाई है इस करके कस्टमर यहाँ खींच के आता है। यहाँ का जो बोर्ड है वो पॉपुलर बोर्ड अभी गिर गया है, बिल्कुल एकदम लटक गया है, लेकिन अभी लोग उसको देख करके इतने खुश होते हैं कि पूछो। पुरानी चीज़ें जो है भुलाई नहीं जाती, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बना दिया है लोगों को, वो भुलाई नहीं जाती। अच्छा, तो यादगार के लिए मैं कह रहा हूँ यार, कुछ जमाने तक फिर यादगार, अब आज याद आई है उस बोर्ड के लिए तो मैंने आज इनको याद किया। 10 साल हो गए हमारी इनकी मुलाकात भी नहीं। पेंटिंग में बचपन का शौक था मेरा और स्कूल टाइम से ही टीचर पढ़ाता था और मैं कापी खोल के सब बैठे रहते हैं, मैं कापी को फोल्ड करके उसके पीछे पेंटिंग बनाता था। आज से पहले मैंने अभी पेंटिंग बनाई थी, महाभारत की बनाई थी, वो 1990 की थी, 90 से लगा लो आज 21 साल हो गए। उस पेंटिंग को आज भी देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे 1 साल पुरानी हो, 30 साल बाद भी उसको दोबारा कलर करेंगे ना वो बिल्कुल नई बन जाएगी। पेंटिंग कोई उम्र नहीं होती। ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का, सफर में है ये बन जा रहा, न जाने किस पे आए। फ्लेक्स बोर्ड आ गए, डिजिटल प्रिंटिंग आ गई, ब्लैंक प्रिंटिंग आ गई, मशीन वाला काम सस्ता हो चुका है। फर्क ये है कि हाथ से जो करेंगे वो बल्कि थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि जो काम 500 आदमी करते हैं वो एक मशीन काम कर देती है। अब तो सब काम कंप्यूटर ही कर देते हैं, अब तो प्लेसमेंट चाहिए बस, कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी यही चाहिए बस। आजकल लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? फ्लेक्स के लिए। जो बैनर्स होते थे, जो रोड पे बैठे रहते हैं, जो हाथ से लिखते थे, वो चीज़ अब खत्म हो गई। हम वो दीवाने हैं, हम वो दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं। मेरे को हो गया 11-12 साल हो गए। कौन सी रोड में काम करता है? पेजमेकर कोल्ड्रा फोटोशॉप। एक काम करूंगा, पूरा मैटर तैयार है तो 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में पूरा बोर्ड तैयार हो जाएगा आपका, 40-60 का, 10x20 का, 30x40 का, जितना मर्जी बोर्ड हो, 50 मिनट तैयार कर देते हैं बस। 50 रुपये ओनली, 50 रुपीज़। 70 रुपये उन्हें तो सिर्फ बटन दबाना है भाई, ये हो गया मिक्स हो गया,
उसका असर क्या होगा वो कंप्यूटर बताएगा। अब जो हम काम हाथ से करते हैं आंखों से देख के जब तो चलाते हैं, पुरुष को जब दिमाग में बात जाती है फिर डायरेक्ट उठो उठा के एकदम डायरेक्ट काम नहीं करते। हाथ से बनाने में थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आती है और ये आपको सस्ता पड़ जाता है और फिनिशिंग थोड़ा दिखती है। अगर फिगर हाथ से बनवाएगा कस्टमर को जायज उसको 200-400 रुपये देने पड़ेंगे और कस्टमर इतना पैसे देता नहीं है, इस करके फिर हमने बनाना बंद कर दिया। वो टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे हम भी, तो टाइम के साथ चलने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी। मनीष खरवार, इनका फोन नंबर लिखोगे? बताओ मॉडल बताओ। बिल बुक होती है, वाउचर बुक होता है, लेटर रेट होता है, कस्टमर इतना वेट नहीं करता, बता चाहिए कल सुबह 10 बजे टेबल पर। लेटर रेट में क्या था, पहले टाइप सेटिंग होती थी, लेटर टाइप करते फिर प्रूफ दिखाओ, फिर उसमें करेक्शन निकालो, फिर उसकी सेटिंग बनाएगा, फिर सेंटर में चढ़ाएगा, उसको 3-4 दिन लग जाएगा। रात को 8-10-12 घंटे के अंदर प्रिंटिंग लेगी। जिनको मतलब काम की समझ है वो तो हाथ का लाइक करते हैं, और जो जिनको पता नहीं काम का इसके रंग उड़ जाते हैं कंप्यूटर के, ये लगाएंगे धूप में इसका कलर एकदम फेट हो जाएगा, ना भी धूप में लगाओ बैनर रख दो अपने आप फेट होता चला जाएगा, हाथ का नहीं उड़ता। कोई ज़्यादा अगर परेशान करता सीधा उसी को देते हैं जा डिजाइनर के पास जा, हम तो पहले बोलते हैं डिजाइनर दिए जो हमें तू लिख के देगा, पेंसिल बना देगा, ड्रॉ कर देंगे, उसको क्रिएट कर देंगे देख के, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं है। सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक कंटिन्यू काम करता रहता हूँ, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, कभी तो लंच भी नहीं करता, खाली पेट 12 घंटे लग रहा था। लते क्या विस्टिंग काटते आज की डेट में, ये समझ लो हम अंदर लेटे हुए ना, यहाँ 15-20 आदमी बैठे होते थे हमारे पास, इतना काम होता था हमारे पास, अब नहीं ये तो कहीं भी निकलवा लेते हैं, डिजाइन देके भी ये धंधा करवा नहीं हो जाता है, पहले सिर्फ यही आते थे कि हमारे जैसा नहीं कर पाते थे काम। पेंटिंग से रोजी रोटी कहाँ चल पाती है, अब नहीं चल पाएगी, अब तो ये है कोई भी इसके द्वारा दूसरा काम हो तो चल सकता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दे आर नॉट गोइंग वेल, दे आर अनएम्प्लॉयड नाउ। तो उनकी जो कारीगरी है वो तो, हाँ वो तो अब ख़त्म हो गई, कंप्यूटर ने सब ले लिया उनका। मेरा फोन था ब्लैक चांसरी, रनिंग फोन सारे अच्छे लगते हैं, और वो शैली अलग हो गया, मिस्टिकल हो गया, सिग्नेचर फोन हो गए सारे। हाँ एरियल तो नॉर्मल ही होता है, वो तो कॉमन है, समय ज़्यादातर वही चलता है, वैसे छोटे फोन के अंदर हेलवेटिका और वो सेम ही होता है, हेलवेटिका के अंदर ज़्यादा दिक्कत आती है वैसे, इसीलिए हम एरियल यूज़ करते हैं। हेलवेटिका दिक्कत आती है क्योंकि ये शो नहीं करता, एरर रहता है उसके अंदर, और जब मैं जो चूज़ करना पड़ता है HELV पे हाथ नहीं बैठता, ARI पे हाथ बैठ जाता है फ़ोन चेंज करने के लिए, ARI जल्दी हाथ में बैठ जाता है, इसलिए मैं एरियल ही ऐड करती, फिर इसमें दिक्कत भी आती है। अरे आर्टिस्ट बन गए हैं ना, जिसने जिसको टाइप आती है वो आर्टिस्ट बन गया, जिसने कोर्स कर रखा है वो तो है ही है, तो जरा सा समझता है भाई यहाँ कलर ये डालना है वो डालना है, मतलब वो ये बना लेते हैं। तो शौक से पेंटर बने थे ना? हाँ, वो शौक था, उनकी कला थी ना उनके हाथ में, और आप शौक से धंधा बन गए। तो आपके लड़के, उनके लड़के होंगे, वो हाथ से करेंगे? अब वो तो वो जाने ही, ये तो हॉबी है, कोई दवाई तो है नहीं, घोल के पिला दूँ ना। तो पेंटिंग का बेचारे पेंटर का होते हैं वो आजकल छोले बिक रहे हैं ऑलरेडी पे, उनके छोले बिक गए प्रिंटर हो गए आजकल। दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देते भाई साहब, तो प्रिंटर है कहाँ, वो प्रिंटर है।